विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। द बुद्धा ने धम्मा के 19वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल के भाग में हम लोगों ने देखा कि राजपुत्र यशस ये किस तरह से बुद्ध के धम्म के शरण में चले गए और फिर उनके दोस्त ये भी सब बुद्ध के धम्म की शरण में चले गए। उसके बाद हमने जो जटिल हुआ करते थे, जटिल का दो अर्थ है, पहला अर्थ जो जटाधारी होते हैं और दूसरा अर्थ जो अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ते, जो सनातन का पालन करते हैं, कुछ भी हो जाए अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ते, इस तरह के जटिलों की धम्म दीक्षा भी हम लोगों ने कश्यप परिवार और उनके जो साथी थे उरुवेला कश्यप के 500 और नदी कश्यप के नदी कश्यप के 300 और गया कश्यप के 200 ऐसे जटिलों की धम्म दीक्षा हम लोगों ने देखी। अब देखते हैं आगे। जब बुद्ध तथागत बुद्ध ये राजगृह में ठहरे हुए थे, तब राजगृह में एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहा करते थे, उनका नाम था संजय। संजय इनके 250 परिव्राजक ये उनके शिष्य थे। 250 परिव्राजकों में सारिपुत्र और मुगलान ये दो युवा ब्राह्मण उनके शिष्य थे। सारिपुत्र और मोगलान ये संजय के यहां पर इनके शिष्य थे, लेकिन संजय की जो फिलॉसफी थी, संजय की जो सिद्धांत थे, ये सारिपुत्र और मोगलान को अच्छे नहीं लगते थे। तो ये जो अच्छे सिद्धांत है उसकी तलाश में थे। एक दिन तथागत बुद्ध के पंचवर्गीय भिक्कुओं में से भिक्कु अस्सज जी ये राजगुरु में भिक्षा के लिए चारिका कर रहे थे। भिक्षा के लिए चारिका कर रहे थे, दूर से ही सारिपुत्र ने देखा कि भंते अस्सज जी के चेहरे पर एक तेज है, भंते अस्सज जी का चेहरा ये चमक उठ रहा है, जरूर भंते अस्सज जी के गुरु कोई एक महान व्यक्ति होंगे, तो क्यों ना इनको पूछा जाए कि आपने आपके शिक्षक कौन है, आपके गुरु कौन है और आपने किनके धम्म में आपने शरण ली है। तो सारिपुत्र ने देखा कि भंते अस्सज जी ये चारिका कर लेते लेते या भिक्षा लेते लेते किसी के घर के अंदर चले गए, तो उन्होंने सोचा कि अभी वो सही समय नहीं है। और फिर सारी चारिका खत्म करने के बाद, सभी भिक्षा पात्र और भिक्षा इकट्ठा करने के बाद, भंते अस्सज जी अपने जगह पर गए और सारिपुत्र उनका पीछा कर रहे थे। सारिपुत्र ने देखा अब भंते अस्सज जी अपने जगह पर स्थिर हो गए हैं। ये सारिपुत्र उनके यहां पर गया और उनको कहा कि आपके चेहरे पर एक तेज है और जरूर आपने ऐसे धम्म की शरण ली है, ऐसे महान व्यक्ति के शरण आपने उनको गुरु माना है, तो आपके गुरु कौन है और उनके गुरु की, आपके गुरु की शिक्षा क्या है, आपका धम्म क्या सिखाता है, आपके धम्म के सिद्धांत क्या है, यह हमें बताइए। बंते अस्सज जी ने कहा कि मैं अभी नया नया ही दीक्षित हुआ हूं, मैं आपको सारी बातें नहीं बता सकता। तो बंते अस्सज जी ने कहा कि मैं शाक्य कुल के उस महान श्रमण के शरण में चला गया हूं, तथागत बुद्ध के शरण में हम लोग गए हैं और तथागत बुद्ध ही हमारे गुरु है और उन्हीं के धम्म के सिद्धांत का हम लोग पालन करते हैं। ये सारे सिद्धांत मैं आपको पूरी तरह से नहीं समझा पाऊंगा, विस्तार से नहीं समझा पाऊंगा, जितना मुझे पता है उतना मैं आपको बताऊंगा। सारिपुत्र ने कहा कि ठीक है, जितना भी आप जानते हो, मैं शब्दों का आडंबर नहीं चाहता, लेकिन जो इसका मूल अर्थ है, जो इसका मेन टीचिंग्स है, वही मुझे सिर्फ बताइए। और भंते अस्सज जी ने बुद्ध के धम्म की सारे सिद्धांत इनको बताए और फिर सारिपुत्र को लगा ये वाकई में एक नया मार्ग है, नया धम्म है, प्रकाश का ये एक नया मार्ग है। और फिर ये सारी जानने के बाद सारिपुत्र मोगलान जहां पर ठहरे हुए थे वहां चले गए। सारिपुत्र और मोगलान ये सगे भाई नहीं थे, लेकिन सगे भाई से भी ज्यादा एक दूसरे के मन में उनके लिए प्यार था, प्रेम भावना थी।
और इन दोनों में तय हुआ था कि जिस किसी को भी पहले सत्य का ज्ञान होगा, सत्य जिसको पहले समझेगा वो दूसरे को आकर बताएगा। तो सारिपुत्त मुगलान के यहां गए और मुगलान ने दूर से ही देखा कि सारिपुत्त आ रहे हैं। मुगलान ने देखा कि सारिपुत्र के चेहरे पर भी तेज है, उनकी त्वचा चमक रही है, जरूर सारिपुत्र को सत्य का ज्ञान हो गया है। तो मुगलान ने सारिपुत्र को पूछा कि हे दोस्त, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारे चेहरे पर एक तेज है, क्या तुमको सत्य का ज्ञान हुआ है? तो सारिपुत्र ने कहा, हां मुझे सत्य पता चला है। और फिर सारिपुत्र और अस्सजी में क्या बातें हुई, ये सारी बातें उन्होंने मुगलान को बताई। मुगलान ने सोचा कि चलो अब बुद्ध के धम्म के शरण में चले जाते हैं। तब मुगलान और सारिपुत्र ने सोचा कि पहले उन 250 परिव्राजकों के पास जाते हैं जो हमारे वजह से ही संजय इनके आश्रम में रुके हुए हैं। तो ये दोनों जहां पर ये 250 परिव्राजक ठहरे हुए थे वहां पर गए और उन 250 परिव्राजकों को इन्होंने कहा कि हम बुद्ध के धम्म की शरण में जा रहे हैं, आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो आप कीजिए। तो उन 250 परिव्राजकों ने जवाब दिया कि हम यहां पर जो रुके हुए हैं वो आपके वजह से ही रुके हुए हैं, हम आपको ही मान्यता देते हैं और इसलिए आपके लिए जो अच्छा है हम भी वही करेंगे, तो हम भी आपके पीछे पीछे ही आपका अनुकरण करेंगे। तो बनते सारिपुत्र और मुगलान और ये 250 परिव्राजक जहां पर संजय रुके हुए थे वहां पर गए और संजय को मिलकर उन्होंने कहा कि हम तथागत के शरण में जा रहे हैं, तथागत के धम्म के शरण में जा रहे हैं, हमें वो अनुमति दीजिए। संजय ने इनकार किया और कहा कि नहीं, आप लोग मत जाओ, हम तीनों मिलकर इन 250 परिव्राजकों का ख्याल रखेंगे, इनका पालन पोषण करेंगे, आप मत जाओ। दूसरी बार और तीसरी बार भी सारिपुत्र और मुगलान ने विनती की, दूसरी और तीसरी बार भी संजय ने वही कहा और फिर सारिपुत्र, मुगलान और 250 परिव्राजक ये सभी मिलकर बुद्ध जहां पर ठहरे हुए थे वहां पर गए। ये सभी लोग जब आ रहे थे, बुद्ध ने दूर से ही देखा और बुद्ध ने अपने बाकी के श्रमण या भंते संघ को, भिक्षु संघ को कहा कि वो देखो, वो दोनों साथी चले आ रहे हैं, ये आगे चलकर मेरे भिक्षुक संघ के प्रमुख ऐसे मेरे श्रमण होंगे, मेरे शिष्य होंगे। और फिर ये दोनों बुद्ध की ओर आए, बुद्ध को प्रणाम किया, नतमस्तक हुए और बुद्ध से उन्होंने तथागत बुद्ध से विनती की कि हे तथागत, हमें आपने आपके धम्म के शरण में लीजिए। और बुद्ध ने हमेशा की तरह इन 250 और सारिपुत्र और मुगलान को कहा, अहे भिक्कुवे, आओ भिक्कुओ और मेरे धम्म के सिद्धांतों को जानो, मेरे मार्ग को जानो। और ये सभी सारिपुत्र, मुगलान और 250 जटिल, जो अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ते, ऐसे जटिलों ने अपने मार्ग का त्याग किया और बुद्ध के शरण में ये सभी लोग चले गए। वक्त के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर ज्यादा लंबा वीडियो मत कीजिए, हम जान नहीं पाते हैं। तो मैं आज, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कम से कम दो ऐसी धम्म दीक्षा की, धर्मांतरण की बातें आपको बताऊं, लेकिन फिर दो धर्मांतरण एक साथ अगर बताया तो वो 20-25 मिनट का हो जाता है। तो इसलिए मैं आज से एक ही धर्मांतरण के बारे में बताऊंगा और ये धर्मांतरण के जो अलग अलग सत्य बुद्ध बाबा साहब ने बताया है वो इसलिए बताया है कि किस तरह के धर्मांतरण बुद्ध के धम्म में हुए हैं, ये जानने के लिए बाबा साहब ने, ये जिस तरह से समुन्दर में से मोती लाकर किसी के हाथों में रखते हैं, उसी तरह से बाबा साहब ने त्रिपिटक और अठ गाथाओं में से ये मोती है, ये बुद्धायनी धम्मा जो है ये सिर्फ किताब नहीं है, ये बुद्ध के जो सारे साहित्य है, जितना भी साहित्य अवेलेबल है पूरी दुनिया में, ये वो मोती का काम करता है। बाबा साहब ने समुन्दर में जाके ये मोती हमको दिया है और इस मोती में से
वही बातें आज आपके सामने में रख रहा हूं कि बाबा साहब ने जो समझाया हम लोगों को कि किस तरह की धम्म दीक्षाएं बुद्ध के समय में हुई है। सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये बाबा साहब लिखते हैं, ये कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। पहली दीक्षा हुई राजपुत्र की, यश की। दूसरी दीक्षा हुई जटिल जो अग्नि की पूजा करते थे उनकी। तीसरी दीक्षा हुई सारिपुत्त मुगलान और 250 जटिलों की। सारिपुत्त मुगलान ब्राह्मण थे और फिर वो बुद्ध के धम्म के शरण में चले गए। अब कल और देखेंगे कि और किन किन लोगों ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली और बुद्ध के धम्म के शरण में चले गए, बुद्ध धम्म और संघ के शरण में गए, ये हम लोग आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।